मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर राम सोनराव, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय विश्वास सीतापुर। मित्रों समाज की, आयुष समाज की सारी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मित्रों आज हम पाइल्स के बारे में बात करेंगे। पाइल्स एक कॉमन बीमारी है जो स्त्री और पुरुष में बराबर मात्रा में होती है। 50% जो पेशेंट होते हैं वो ब्लीडिंग होती है पाइल्स में, और 50 वर्ष से ज़्यादा की उम्र होने पे लगभग लगभग लोगों को ये बीमारी होती है। इसीलिए हम कॉमन बीमारी को बता रहे हैं कि पाइल्स एक कॉमन बीमारी है। पाइल्स में मित्रों क्या होता है कि गुदा मार्ग के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, खून के जो नसें हैं, उसमें कॉन्स्टिपेशन होने से या अजीब जोर लगाने से वो गुच्छे जो हैं फूल जाते हैं। फूलने के बाद उसमें गांठें बन जाती हैं, वो ब्लीड करता है। मोस्टली यही एक पाइल्स की बीमारी है, ना साधारण भाषा में इसको हम इस तरह समझते हैं। पाइल्स दो तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल पाइल्स, एक इंटरनल पाइल्स। जो बाहर की तरफ होती है वो एक्सटर्नल पाइल्स है, जो अंदर की तरफ होती है, अंदर के गुच्छों में सूजन हो जाती है, फूल जाती है, ब्लीड होता है, वो इंटरनल पाइल्स है। वो तो पाइल्स के अंदर फ्रेश ब्लड आता है, क्लॉटिंग नहीं होती, ताज़ा ब्लड आता है लाइटिंग के पहले या लाइटिंग के बाद, स्टूल करने के बाद या बाद में जो फ्रेश ब्लड आता हो, धारदार आता हो, वो थोड़ा बूंद बूंद गिरता हो या एक ज़्यादा मात्रा में गिरता हो, जिसके वजह से एनीमिया, बहुत से लोगों में एनीमिया हो जाता है, ये पाइल्स के मोस्टली इस तरह हम जान जाते हैं। पेशेंट जान जाता है कि हमको पाइल्स, पेशेंट आता है यही बताता है कि साहब हमको पाइल्स हुआ। गुदा मार्ग में बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, पाइल्स के वाला फिसर है, फिस्टुला है, लेकिन पेशेंट हमको बवासीर, एक चूँकि चलन में है बात लोग करते हैं तो वो बताता है। समस्या ये होती है कि पेशेंट डॉक्टर को बताता जरूर है, लेकिन उस गुदा मार्ग को या आस पास की चीज़ों को दिखाना नहीं चाहता, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हैं, हर आदमी इसके थोड़ा सा अवॉइड करता है। दूसरी बात, पेशेंट कोशिश करता है कि मैं इधर से मेडिकल स्टोर से या उधर से दवा लेकर के मैं खा लूँ, इसलिए हम इस बात में ज़्यादा पाइल्स में किन्हें ज़्यादा होते हैं हम इस विषय पे हम एक बार बात कर लें। पाइल्स में मित्रों उन्हें ज़्यादा होंगे जो लाइटिंग में देर तक बैठेंगे, जो जोर लगाएंगे, जिनको कॉन्स्टिपेशन होगा, या 50 साल के ज़्यादा उम्र है, या उनको डायबिटिक या शुगर की बीमारी है, उन पेशेंट को पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या, डॉक्टर क्या जांच करता है? मोस्टली हम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको देख करके, उससे बात करके और उसके लक्षणों के आधार पर 99% हम जान जाते हैं कि ये पाइल्स मार्ग से ही ब्लीड हो रहा है। फिर भी हम पेशेंट से ही कहते हैं कि आप एक बार जांच करा लें। जांच में हम एक पर रेक्टल अपनी उंगलियों से गुदा मार्ग के अंदर लुब्रिकेंट से डाल करके चेक करते हैं कि उसमें पाइल्स मार्ग कितने बड़े हैं, क्या है, या वो फिसर तो नहीं है। फिसर में एक लाइटिंग जो आएगी उसको किनारे से ब्लड आएगा, लेकिन पाइल्स मार्ग में तो बहुत एक्सेसिव ब्लड आएगा, बूंद बूंद गिरेगा या धार से गिरेगा, तो ये हम जान जाते हैं। तो देखने से हम नंबर ऑफ बीमारियां कई होती है तो वो हम डायग्नोस कर लेते हैं। दूसरी बात, एक छोटा सा प्रोक्टोस्कोप होता है, प्रोक्टोस्कोप डाल करके हम अपनी आंखों से टॉर्च लगा के देख लेते हैं कि पाइल्स मास कितना बड़ा है, क्या है, कैसे है, और उसके क्या हम दवा से ठीक करेंगे या वो सर्जरी की आवश्यकता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में छाल शुद्ध करते हैं तो छाल शुद्ध की आवश्यकता है या नहीं। मित्रों बचाव के तरीके क्या है, पाइल्स मास में हम कैसे बच सकते हैं? पाइल्स मास में नंबर एक बात हमने अभी बताया कि आप पेशेंट को 1 से 2 मिनट के अंदर, या नॉर्मल आदमी को भी 1 से 2 मिनट के अंदर उसका स्टूल साफ हो जाना चाहिए। लाइटिंग अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, यदि वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो वहाँ पे जोर पड़ेगा, जोर पड़ने पे वो पाइल्स मास लीड होंगे, पाइल्स की बीमारी आपको होगी। दूसरी बात, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन होने से आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन होने से वो लाइटिंग के रास्ते में आपकी सूजन होगी, ब्लीड करेगा और पाइल्स आपको होंगे।
प्रेगनेंसी के दौरान, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल सांस देखने को मिलता है। 50 साल की उम्र में भी बताया कि ज्यादा देखने को, शुगर डायबिटिक हैं ये, उनमें भी पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। हम इसके लक्षण क्या है ये बता दिए। लक्षण में जैसे सूजन है, खुनारा ये हम, या खुजली है ये हमने आपको बताया। अब इसके घरेलू उपचार क्या है, हम कैसे घर में ही पाइल की बीमारी है तो इससे हम बच सकते हैं। एक तो मित्रों आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको किसी भी तरीके से आपको स्टूल साफ करना है। स्टूल साफ्टनर बहुत से हैं मार्केट में, अवेलेबल है, घर में है, त्रिफला है, ये हम आपको लेकर के, त्रिफला है, अजवाइन चोटिन का जो है चूर्ण बना करके हम खा सकते हैं तो स्टूल साफ करें। फाइबरस चीज़ें सबसे ज़्यादा लेनी है, अंकुरित अनाज लेना है, खाने में आपको हरी पत्तेदार सब्जियाँ लेनी है। फाइबर की मात्रा जितनी जाएगी स्टूल साफ उतना ही ज्यादा होगा, एक बार। दूसरी बात, आपको पानी ज्यादा पीना है। पानी ज्यादा पीने से, या लुक वार्म गर्म पानी ज्यादा पीने से, या पानी ज्यादा पीने से पूरा इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपका स्टूल साफ हो जाता है, और स्टूल जितना साफ होगा आपको पाइल्स की दिक्कत उतनी ही कम होगी। दूसरी बात। तीसरी बात, घर के अंदर आप एक बड़ा टब लेकर के उसमें आप सिट बात कर सकते हैं। सिट बात मित्रों बहुत सबसे ज्यादा इफेक्टिव है पाइल्स मास के अंदर दर्द होने पे या खुजली अदर होने ब्लीड होने पे। उसका तरीका है कि बड़ा सा टब लेते हैं, टब के अंदर लुक वार्म लेते हैं, थोड़ा गर्म पानी लेते हैं, उसमें 4 चम्मच फिटकरी डालते हैं। फिटकरी डाल के उधर इतना बैठते हैं कि आपका इनर रीजन पूरा पूरा अंदर चला जाए, सिकाई हो जाए। ऐसा देखने में आया है कि ये पाइल्स मास की जो ग्रेड होते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड थर्ड, इनकी ग्रेडिंग कम हो जाती है, खून के जो गुच्छे हैं जो गांठे हैं वो कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। दूसरी बात कि पाइल्स मास का ये घरेलू हम छार सूत्र करते हैं आयुर्वेद में, हम छार सूत्र करते हैं। छार सूत्र में क्या विशेषता है एलोपैथ छार सूत्र में मित्रों, हम पाइल्स मास को हम पकड़ के उसको बांधते हैं, बांधने से वो छार, वो हमारा जो छार सूत्र है उसमें मेडिसिन लगी होती है, बहुत सी मेडिसिन लगी होती है, उससे वो हीलिंग और कटिंग दोनों करता है। एलोपैथ में क्या करते हैं, पाइल्स मास को काट देते हैं, काटने को हम हेमरेक्टोमी कहते हैं, काट देते हैं तो उससे वो लंबा प्रोसेस है, उसमें पेन भी ज़्यादा होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम समय लगता है, पैसा लगता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो छार सूत्र करते हैं उसमें आपको मुश्किल से 5 या 10 मिनट का प्रोसीजर है और वो निकल जाता है, गिर जाता है, हीलिंग कटिंग दोनों हो जाती है, पेशेंट तुरंत जा सकता है अपना, मोस्टली जो काम करता है छोटा मोटा वो काम कर सकता है, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर बड़े आराम से काम कर सकता है। दूसरी बात, उसका इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके पैसे बच जाते हैं, वो अपना जो काम कर रहा होता है वो भी काम कर रहा होता है। और पाइल्स जिस कारणों से होती है उन कारणों को छोड़ना चाहिए, तंबाकू गुटखा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जंक फूड फास्ट फूड इनसे बचना चाहिए, मोटे अनाज खाने चाहिए, खाने में जो है हरी पत्तेदार सब्जियां ये सब खाना चाहिए। ठंड का मौसम है, इस समय लुक वार्म वाटर जो है गर्म पानी ज़्यादा पीना चाहिए। यदि आपको पाइल्स महसूस होता है तो आपको तुरंत जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये बीमारी शुरुआती स्टेज में 99% ठीक हो जाती है, और ठीक किया जाता हो जाती है, किया भी जा सकता है। इसी विषय के, इसी शब्दों के साथ मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।